व्हाट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म? क्यों किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में फास्ट, किसी में स्लो? व्हाट चेंजेस मेटाबॉलिज्म, व्हाट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म? दोस्तों ये बेसिक आ जाएगा बेसल मेटाबॉलिक रेट पे फिर, क्योंकि एक आपने अगर बेसिक अगर देखा, एक 24 घंटे में आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट एवरेज अमाउंट क्या है, यानी आपकी बॉडी के अंदर ये सारे बैलेंस करने के लिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए वो क्या है, वो मैटर करेगा। उसको सब रेगुलेट करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर वन फैक्टर जो है वो आपके जीन्स हैं, जेनेटिक्स हैं। यस, जेनेटिक मैटर करते हैं, जीन्स मैटर करते हैं। अगर आपके जीन्स के मुताबिक भी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन उसका एक फैक्टर है कि अगर आपके जेनेटिक्स है कि आपके मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो ज्यादा, इसलिए कुछ लोग कुछ भी करें पतले रह जाते हैं, क्योंकि उनकी जीन्स ही ऐसी है कि उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, तो या तो उनको 2 गुना 3 गुना खाना खाना पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा मोटे होने के लिए। जीन्स मैटर करते हैं, राइट? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको काउंटर बैलेंस नहीं करते, वो 100% नहीं है। जीन्स का एक बड़ा फैक्टर है, लिटिल बिट, बड़ा छोटा कैसे, किसी में बड़ा किसी में छोटा, बट वो फैक्टर वो ही नहीं है। दूसरा फैक्टर है और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कैसी जगह रह रहे हो, किस तरीके के एनवायरमेंट है। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां ठंड ज्यादा है तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, गर्मी ज्यादा है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। आप रह रहे हो एकदम ही ज्यादा ऑक्सीजन भरी जगह पे तो मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। आप रह रहे हो एकदम ज्यादा कम ऑक्सीजन वाली जगह, गंदी इन्वायरमेंट में जहां धूल मिट्टी बराबर है भरी भरी, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, कोशिश करेगा उन्हें दूसरा टाइप का मेटाबॉलिज्म जाएगा उसमें। तो ये सब बहुत सारी चीजें मैटर करती, एनवायरमेंट मैटर करती है। फिर बात आई एंजाइम्स की, हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स का रेगुलेशन है आपके अंदर, एंजाइम्स का रेगुलेशन है आपके अंदर। एंजाइम वो जो एक-एक स्टेप में इस्तेमाल होती है, कैटलिस्ट, केमिकल रिएक्शंस में एक को दूसरे में बढ़ने के लिए एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम। और वो एंजाइम्स वो रिएक्शंस को स्टिमुलेट करने, उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन चाहिए। सो हार्मोन और ये दोनों का इफेक्ट है आपके, इसका रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन किससे होता है, सिग्नल्स से होता है। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो सब जानते हैं कि ग्लूकोज खाते ही इंसुलिन बढ़ जाता है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। ग्लूकोज ज्यादा खाओगे इंसुलिन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक सिग्नल है। ग्लूकोज मिला, इंसुलिन बढ़ा, इंसुलिन ने क्या किया, घपा घप ग्लूकोज को अंदर डालना शुरू किया, उससे ग्लाइकोजन बना, फैट बना। So, ये एक सिग्नल हुआ, इससे क्या हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। अब आप एनाबॉलिज्म कर रहे हो, बना रहे हो कुछ ना कुछ, राइट? लेकिन प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने शुगर ज्यादा खा ली, इस वजह से आप मोटे हो रहे हो। नहीं खाओगे, नहीं खाओगे तो भी आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, चालू चालू रहेगा, तब वो तोड़ेगा, फैट तोड़ेगा, प्रोटीन तोड़ेगा और बनाएगा शुगर। पानी चाहिए उसके पास, पानी। इंसुलिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ। बिल्कुल इंसुलिन के जैसे आप और भी चीजों के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जिसके पीछे लोग मरते हैं, एक्सरसाइज वाले, जिम वाले। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट बहुत सारी चीजें करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक रिदम भी है, वो सुबह सुबह ज्यादा होता है, शाम को कम होता है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं वो बूस्ट होता है, जब भी आप डीप स्लीप में जाते हैं वो बूस्ट होता है, जब आप सेक्स के बारे में सोचते हैं, ऑपोजिट सेक्स के बारे में अट्रैक्ट होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, और जब आप प्यार में पड़ जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, जब आप फादर बन जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, क्योंकि आपकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, सेक्स ड्राइव बूस्ट करती है टेस्टोस्टेरोन। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, ये सिग्नल्स है। सो एंजाइम, हार्मोनल रेगुलेशन, सिग्नल्स, ये सारे सिग्नल्स बूस्ट करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म, आपके हॉर्मोन्स, आपके ये एंजाइम्स। तो आपके रहना सहना, आपका एनवायरमेंट, आपके आसपास क्या है, आपकी सोच कैसी, आपके विचार कैसे, इन सब पे डिपेंड करता है। इतना सिंपल नहीं है कि एक पिल ले लिया, एक कैप्सूल ले लिया। और यहां तक कि एंजाइम की एक्टिविटी और इफेक्ट भी अलग अलग होते हैं, हॉर्मोन्स की एक्टिविटी इफेक्ट भी अलग होता है। टेस्टोस्टेरोन को देख लो, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल पे इफेक्ट थोड़ी है, उसका बालों पे इफेक्ट है, स्किन पे इफेक्ट है, हार्ट पे इफेक्ट है, हर जगह इफेक्ट है। स्किन मोटी करता है, बाल लंबे करता है, बाल और ज्यादा आ जाएंगे, हर जगह बाल हो जाएंगे, राइट? लेकिन आपके मसल भी बढ़ेगी। लेकिन हर एक पे इक्वल इफेक्ट नहीं है, किसी पे थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, किसी पे ज्यादा स्पेसिफिक है।
सेम इंसुलिन पे है, इंसुलिन है उसके मल्टीपल सिग्नल्स है, प्रोटीन से भी इंसुलिन बढ़ता है, शुगर से भी बढ़ता है, शुगर से ज्यादा बढ़ता है, प्रोटीन से थोड़ा कम बढ़ता है। सो ये सेंसिटिविटी भी मैटर करती है, स्पेसिफिसिटी भी मैटर करती है, दोनों चीजों की, सिग्नल्स की भी किससे वो बढ़ेगा और उनकी एक्टिविटी की भी किससे वो और करेगा, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम करता है, लेकिन वो शुगर भी बनाता है, वो ग्लाइकोजन भी बनाता है, फैट भी बनाता है। तो मेन एक्टिविटी क्या है, मेन एक्शन क्या है वो देखना होता है, राइट। सो हर एक चीज आपकी बॉडी में मल्टीपल काम कर रही है, मल्टीपल इफेक्ट कर रही है, मल्टीपल चीजों से इफेक्ट कर रही है। सो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ग्रोथ हार्मोन भी वैसी काम करता है, थायराइड हार्मोन भी वैसी काम करता है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपके थायराइड हार्मोन, आपके पैनक्रियाज, आपके हार्मोनल बैलेंस, होम्योस्टेसिस, एक्सेस, पिट्यूटरी ग्लैंड, सब पे मैटर करता है। हार्मोनल इंबैलेंस होता है तो फिर मेटाबॉलिज्म में थोड़ी गड़बड़ी आती है। सो कारण होता है हमेशा, या एंजाइम डेफिशिएंसी होती है। मान लो किसी के अंदर, बच्चों में खासकर, अगर मान लो ग्लूकोस को, ग्लैक्टोज को तोड़ने की एंजाइम नहीं है, राइट, तो वो प्रॉब्लम, लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम नहीं है तो वो प्रॉब्लम। तो ऐसे एक एंजाइम डेफिशिएंसी अगर हो जाए, फिनाइल कीटोन यूरिया एक एग्जांपल हो, तो वो तो टेक्निकल टर्म है लेकिन बेसिक समझो, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एनवायरमेंट, जेनेटिक, न्यूट्रिशन। अब है आपके अंदर बहुत ज्यादा हॉर्मोन, मान लो आपके अंदर थायरॉयड हॉर्मोन ज्यादा है, तो थायरॉयड हॉर्मोन ज्यादा है तो मेटाबोलिज्म ज्यादा हो गया। अब है ही नहीं उसके पास न्यूट्रिशन, आप खाना ही उतना नहीं खा रहे हो जितना उसको मेटाबॉलिज्म ज्यादा चलाने के लिए चाहिए, आपको एनर्जी ज्यादा खानी पड़ेगी, तो क्या होगा, आप पतले हो जाओगे, आपकी मसल्स यूज होगी, आपका फैट यूज होगा, सब एनर्जी बनाने में, राइट। सो न्यूट्रिशन इज अ मेजर फैक्टर आपकी बॉडी के हिसाब से। अगर आप न्यूट्रिशन ऑल्टर करें तो आप अपनी बॉडी का शेप भी बदल सकते हैं, साइज भी बदल सकते हैं, सब बदल सकते हैं। एक उम्र तक ऑब्वियसली हाइट तो नहीं बढ़ेगी, साइज जरूर बढ़ जाएगा, राइट, क्योंकि हाइट के लिए तो बोन्स जॉइंट हो जाती है ना, वो एपिफाइसिस वाला हिसाब होता है, 21 साल तक मैक्सिमम, 19, 20, 21। सो पॉइंट इज न्यूट्रिशन मैटर्स। फिर और एक चीज इफेक्ट करती है मेटाबॉलिज्म को, बॉडी कंपोजिशन। अगर दो लोग हैं, दोनों 100 किलो के हैं, एक में 100 किलो का में मान लीजिए उसमें मसल नहीं है, कम है मसल, और दूसरा है मस्कुलर बॉडी है, 100 किलो की है, तो इस मोटे आदमी का मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होगा और इस मस्कुलर आदमी का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होगा, राइट। ऑल्दो दोनों सेम खाना खा रहे होंगे, ऑल्दो दोनों सेम तरीके से, मतलब कैलोरीज इनटेक, अब ये प्रोटीन ज्यादा खा रहा होगा, ये फैट ज्यादा खा रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहा होगा, लेकिन अल्टीमेट बात क्या है, जितना आपकी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा है यानी मसल ज्यादा है, उतना आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, उतना आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ये ट्रू है। ऑल्दो इसका बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है कि ये करोगे तो हो जाएगा। इवन लाइफस्टाइल एक फैक्टर है, अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप बैठे बैठे रहते हो, बैठे ही रहते हो, तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ही नहीं, आप मसल इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, बैठे रहे, तो आपकी बॉडी में कैटाबॉलिज्म होता रहेगा कि एनाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म होगा, खा रहे हो, भरता जाएगा पेट, मोटा 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 मोटा। ये बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का, इसलिए यू हैव टू बी एक्टिव, एक्टिव लाइफस्टाइल जरूरी है। चलिए फिरिए, दौड़िए, भागिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए उम्र के हिसाब से। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल ऑल्सो इफेक्ट्स योर मेटाबॉलिज्म। तो ये अगर ये सारी चीजें देखिए, और एक चीज है एज, उम्र के साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, दैट इज ट्रू, क्योंकि उम्र के साथ धीरे धीरे हर एक चीज स्लो होगी, कोई भी चीज परमानेंट तो है नहीं। हाँ मसल्स हैं जो स्लो नहीं होती, मसल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉइंट की लाइफ है, हार्ट की एक लाइफ है, हर एक चीज की एक लाइफ है, मसल्स की भी एक लाइफ है, मसल्स लेकिन उसको ग्रो कर सकते हैं, मसल्स आपकी 45-80 साल में भी ग्रो हो सकती है, लेकिन ज्वाइंट जो है धीरे धीरे आपके ज्वाइंट को बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ज्वाइंट को बचाना, क्योंकि वो गए तो वो नहीं वापस आते, फिर रिप्लेस ही करना पड़ेगा, राइट। इसलिए एक्सरसाइज करने वालों को जॉइंट के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, जॉइंट इंजरी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, वो भी गलत है, सप्लीमेंट नहीं जरूरी होता है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, सप्लीमेंट उसी को चाहिए जिसको न्यूट्रिशन नहीं है, जिसका न्यूट्रिशन नहीं है प्रॉपर उसको सप्लीमेंट चाहिए। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, सही से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जॉइंट के लिए भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत मिनिमम लोगों को है। सो दैट्स द आइडिया, उस पर भी वीडियो आएगा। सो अगर ये सारी बात करें हम मेटाबॉलिज्म की, तो आप में से
70-80% लोगों का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम इन्हीं सारे छोटे छोटे फैक्टर्स की वजह से है। अगर आप मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यही सारे पॉइंट्स लिख के एक एक पॉइंट पे काम करना होगा, तभी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और अब मेटाबॉलिज्म की बात कर ही रहे हैं तो कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं जो मेटाबॉलिज्म की मिथ है।